वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुष्मिता एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन मिसेस आउट। सो आप लोगों ने थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं एक हॉल वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। सो आई नो दैट फेस्टिव सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद भाई दूज है, एंड बंगालीज का दुर्गा पूजा का मतलब है कि हम लोग एकदम पूरा 10 दिन के लिए 10 आउटफिट्स चाहिए होता है। इट्स ऑल अबाउट फेस्टिव सीजन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक हॉल कर लेती हूँ। और आज का हॉल है कुर्तीज का हॉल। तो मैंने ना कुर्तीज का सेट मंगवाया है अमेजोन से, और ये सारे ना जो सेट्स है वो 1000 रुपीज के अंडर है। तो मैंने ऑल टोटल 4 कुर्तीज मंगवाए हैं, उसमें से सिर्फ एक में ही सेट नहीं है, एक शिफॉन का कुर्ता है। तो यार विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, और मैं दिखा देती हूँ झटपट से कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। एंड बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, प्लीज 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 डू सो, दैट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाती रहूंगी। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, एंड यार विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स गेट। सो गाइस, द फर्स्ट कुर्ता और द कुर्ती से पीछे आई गॉट इज दिस वन। तो ये एक बहुत ही ब्राइट पिंक कलर में है, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इसका जो पैंट है ना, ये शरारा स्टाइल में है, और इसके ऊपर ना गोल्डन प्रिंट है, और जो मटेरियल है ये कॉटन का है। बट जब मैंने डिस्क्रिप्शन चेक किया था वो रेयॉन मेंशन किया हुआ था, बट मुझे कॉटन का मटेरियल मिला। बट द कलर इज वेरी ब्राइट, आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड ऊपर का जो है वो कुछ ऐसा है, और सामने ना ऐसे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और जो कड़ी शेल्स नहीं होते, कोड़ी शेल्स या कड़ी शेल्स क्या बोलते हैं उसको, सो वो यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये ना बहुत ही प्यारा है, और मैंने मंगवाया है साइज M। तो मैं इसे पहन के दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। सो गाइस, पहनने के बाद पता चला कि इसका कुर्ता थोड़ा सा लूज है, फिर भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे ऊपर। आप कलर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। एंड गाइस, मैंने इसको पिंक मोजीज के साथ पेयर अप किया है। मैंने कान में ना ऐसे गोल्डन स्टड और हाथ में बैंगल्स पहने हैं। तो मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। सो गाइस, जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो ये है। तो ये ना मैंने गोल्डन कलर का देखा था ऑनलाइन पे, बट ये जो मुझे रिसीव हुआ है ये मडी गोल्डन काइंड ऑफ शेड है, और मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये ना बाय द ब्रांड जिलिया या जाइला है, और इसका जो कलर मेंशन किया हुआ है ना वो है हेजल। तो गाइस, ये है इसका पैंट, और ये ना वो इसको क्या तो मटेरियल बोलते हैं, बट दिस इज नॉट कॉटन, दिस इज काइंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन मिक्स, जो रॉ सिल्क नहीं होते वैसा टाइप का है। तो ये ना एकदम पलाजो स्टाइल में है इसका पैंट, और ऊपर का कुर्ता ऐसा है, और सामने ये गोल्डन का प्रिंट किया हुआ है, और स्लीव्स में ऐसे गोल्डन बॉर्डर्स भी है। सो गाइस, ये आप चाहो तो आप सप्तमी या फिर अष्टमी के सुबह भी पहन सकते हो, या ये अगर आप पहनते हो तो इसके साथ बैंगल्स पहन लेना, डार्क रेड कलर का लिपस्टिक लगा लेना, गोल्डन झुमकीज या फिर गोल्डन हुप्स पहन लेना, तो ये बहुत ही प्रिटी दिखेगा। सो या गाइस, दिस इज द सेकंड कुर्ता सेट। सो गाइज, इस कुर्ते को मैंने स्टाइल किया है गोल्डन बैंगल्स के साथ और गोल्डन हील्स के साथ, और कान में मैंने ना ब्लैक कलर का कुंदन का इयररिंग्स पहना हुआ है, और मैंने साथ में ले लिया है ये स्टेटमेंट क्लच जो कि ब्लू कलर में है। और जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। नाउ द थर्ड पीस व्हिच आई हैव और द थर्ड सेट व्हिच आई हैव इज दिस वन। ये भी ना वैसे ही सेम मटेरियल में है जो मैंने सेकंड में दिखाया, वो सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल, बट इसका जो कलर है ना ये थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो कि डुअल टोन में है, मतलब मरून या पिंक और उसके साथ एक पर्पल अंडरटोन में है। तो इसमें एक दुपट्टा भी है, तो सबसे पहले मैं पैंट दिखा देती हूँ। तो इसका जो पैंट है वो स्ट्रेट फिट में है, और नीचे ऐसे बॉर्डर्स भी है, और ऊपर का आप देख सकते हो, और यहाँ पे ना पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है पिंक कलर के थ्रेड में, और मिरर्स भी लगे हुए हैं। आई थिंक दिस इज कम्प्लीटली विजिबल ऑन द कैमरा। इसका कलर बहुत मुझे पसंद आया, ये भी आप अष्टमी में पहन सकते हो या नवमी नाइट में पहन सकते हो। एंड इसके साथ ना आपको ये दुपट्टा भी मिलता है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, एंड इसका मटेरियल काफी अच्छा है। सो गाइस, पूरे हॉल में से ये मेरी फेवरेट कुर्ती है, और मैंने ना इसको बड़े से ऐसे चांद बालीस के साथ और ऐसे गोल्डन बैंगल्स के साथ इसको पेयर अप किया है। साथ में लिया है मैंने स्टेटमेंट क्लच। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। एंड गाइस, आप देख सकते हो ये कितना फ्लैटरिंग लग रहा है मेरे ऊपर। सो या लास्ट पीस ऑफ कुर्ता व्हिच आई हैव इज दिस वन। सो ये बहुत ही मॉडर्न एक लुक है इसमें। सो आई जस्ट ओपन एंड शो यू गाइस। ये ना शिफॉन का बना हुआ है, एंड दिस इज बाय द ब्रांड जनसिया जनसिया। एंड मैंने ना इसको साइज एल में मंगवाया, क्योंकि कभी कभार शिफॉन के मटेरियल में क्या होता है ना, मुझे साइज एम फिट नहीं होते, तो मैंने एक साइज लार्ज मंगवा लिया। एंड गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स।
इसका जो ऊपर का मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट है, इसको व्हाइट लेगिंग्स के साथ पेयर अप करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं जो मैं दिखा देती हूँ वीडियो में कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूंगी, तो आप इन्हें षष्ठी की सुबह पहन सकते हो या फिर पंचमी की सुबह भी पहन सकते हो, और अगर रात को आपको पहनना है तो आप लेगिंग्स भी डिच करके एज अ ड्रेस इसको पहन सकते हो। सो या गाइस, दिस इज द लास्ट पीस ऑफ कुर्ता। एंड गाइज, ये ना सबसे कंफर्टेबल कुर्ता है, तो इसको अगर आप पैंडल हॉपिंग के लिए जा रहे हो तब पहन सकते हो। और इसको मैंने पेयर अप किया है ऐसे वाइट लेगिंग्स और वाइट हील्स के साथ, और इसका भी लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एंड या, दिस इज द लास्ट पीस। सो या गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी वीडियोस देखना पसंद करोगे। एंड या, विद दैट आई एंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे गॉर्जियस। लव यू ऑल।